तो आज हम लोग करने वाले हैं फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। और फूड एडल्ट्रेशन आन फ्रॉम, तो ये सिलेबस में है। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ डाइट, ठीक है। तो अब हमारा जो रह जाएगा मेथड्स ऑफ कुकिंग रह जाएगा, ठीक है। और डिफिशियंसी डिसीजेस हम लोग कल कर चुके हैं, तो फूड एडल्ट्रेशन आप कर लेंगे और जो है थेरेप्यूटिक डाइट्स कर लेंगे। उसके बाद बचेगा आपका डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए जो मील प्लान है और आपका मेथड्स ऑफ कुकिंग, ठीक है। तो वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज करते हैं फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? फूड मीन्स फूड, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है। किसी भी तरह की मिलावट हो, चाहे वो उसे अच्छा बनाने के लिए करी गई है, चाहे उसे बुरा बनाने के लिए करी गई है, चाहे वो इंटेंशनली करी गई है और चाहे नॉन इंटेंशनली या धोखे से हुई है, वो सारी चीजें फूड एडल्ट्रेशन है, ठीक है। वो पूरी चीज मतलब अगर फूड का जो प्योर फॉर्म है उसमें कुछ भी ऐड या उसमें से सब्स्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है, उसमें से निकाल भी लिया बाहर, तो भी वो फूड एडल्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। So, चलिए नाउ फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन में भी डिफाइंड एज लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय एडिंग चीप और इंफीरियर सब्सटेंसेस टू इट, बाय रिमूविंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बाय प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन टू द फूड, इट कैन बी इंसिडेंटल और इंटेंशनल, ठीक है। इंसिडेंटल मतलब या तो किसी से गलती से हो जाए या किसी कोई स्थिति ऐसी बनी कि कुछ ऐड हो गया या फूड गिर गया, वो जो है आपका जो फूड स्टफ था वो गिर गया या उसमें कुछ और गलती से गिर गया, है ना, वो हो गया इंसिडेंटल। और इंटेंशनल मतलब जैसे आप मिल्क जो लोग सेल करते हैं उसमें पानी जो डाल रहे हैं वो क्या है, इंटेंशनल है, वो जानबूझ कर किया जा रहा है। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन हैज अ प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, तो इंटेंशनल मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक जो उनका प्योर फॉर्म है उसमें क्या, जैसे मोस्ट कॉमन चीज है दूध, ठीक है, मिल्क, उसमें क्या है वो वाटर ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि मिल्क तो है ही, साथ में उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उतनी उसकी क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्या है, जैसे 1 किलो दूध वो बेच रहे हैं तो अब क्या है, अब उन्होंने 1/2 kg या 1 kg और उसमें ऐड कर दिया वाटर, तो क्या होगा, आप वो 2 किलो बेचकर या 2 लीटर बेचकर क्या है मिल्क को, तब वो पैसे कमाएंगे। तो जब 1 लीटर में, 1 लीटर मिल्क से 2 लीटर मिल्क अगर वो बेच रहे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा उनका, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है उसके पीछे। दूसरा है इंसिडेंटल है, ठीक है, अडल्ट्रेशन। तो इंसिडेंटल अडल्ट्रेशन कौन सी होगी? कुड बी ड्यू टू इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस और लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई कोई भी जैसे साफ सुथरा किसी के यहाँ पे डाले, ठीक है, और वो किसी के शॉप में जो ये वैसी वाली शॉप होती है ना जो होलसेल वाली होती है, उसमें ऐसा हो कि गलती से कोई दूसरी चीज जो सस्ती हो इससे या महंगी भी हो वो गिर जाए, ठीक है। अब क्या है, उसे उसे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी और वो क्या करेगा, ऐसे ही सेल कर देगा, वो भी अडल्ट्रेशन है, क्योंकि दूसरी चीज भी उसी भाव में बिकेगी उसके साथ, तो वो भी क्या है, अडल्ट्रेशन है, बट वो इंसिडेंटल है, उसने जानबूझकर नहीं किया है, ठीक। नाउ व्हाट इज द फूड अडल्ट्रेटेड, ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन वैसे है क्या? तो जो PFA है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये कब आया था, 1954 में, जब ये 1954 में प्रस्तावित हुआ और उसके बाद लागू कब हुआ, यानी कि फोर्स फोर्स में कब आया, ये आया 1955 में, ठीक है। तो ऑप्शन दो तो नहीं रहेंगे एग्जाम में, एक ही ऑप्शन आएगा 1954 या 55 में से। तो जो वैसे इसका जो PFA का जो ईयर है जिसमें वो प्रस्तावित हुआ वो है 1954, और लागू कब से हुआ था, 1955 में। डिस्क्राइब्स द कंडीशन अंडर विच द फूड इज कंसीडर्ड एडल्ट्रेटेड, तो कब आया है ये, आया है फोर्स में 1 जून से, 1 जून 1955। The food is considered adulterated if, when the nature, substances and quality differ from what it ought to be. तो जो मतलब एक फूड को होना चाहिए,
ठीक है, उसका नेचर जो है उससे वो डिफरेंट है। अगर आप प्योर मिल्क की बात करें, जो प्योर मिल्क होता है ना, वो अगर आप उसे पाम में अपने हथेली में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी जो ड्रॉप होती है वो क्या होती है, जल्दी से रन नहीं करती है, एक ही जगह पर रुकी रहती है थोड़ी देर तक। लेकिन अगर उसमें वाटर ऐड होगा तो क्या होगा, वो जल्दी से फ्लो कर जाएगी। तो उसके जो है, जो उसका नेचर है खुद का, और उसकी क्वालिटी तो हो ही गई लोग, क्योंकि वाटर ऐड हो गया उतना उसमें, तो वो डिफर हो जाएगी जो उसके एक्चुअली होनी चाहिए थी। इफ इट कंटेन्स इंजरियस इंग्रेडिएंट्स, तो क्या है, उसमें कुछ इंजरियस इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे अडल्ट्रेशन आपको बोला है ना कि इंसिडेंटल और इंटेंशनल दोनों हो सकते हैं। तो इंसिडेंटल में आपका जो पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स लगा रहे हैं, जो भी चीजें क्रॉप्स में लग रही है, वो क्या है सारी, तो जब अगर वो किसी पेस्ट को खत्म कर रही है तो क्या है, हमें भी तो खत्म करेगी ना कहीं, हमें भी जो है प्रॉब्लम पहुंचाएगी वो, तो इंजरियस है। तो वो इंग्रेडिएंट्स भी जाती है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, जैसे पेस्ट है, अगर पेस्टिसाइड्स है वो लगी हुई है क्रॉप में, और वो हमारे पास भी आएंगी जाहिर सी बात है, क्योंकि हर जगह पर यूज हो रही है। तो वो ये अडल्ट्रेशन ही है। इफ इट कंटेन्स चीपर इंफीरियर सब्सटेंसेस, तो उसमें क्या है, चीपर इंफीरियर सब्सटेंसेस ऐड करेंगे, क्यों, उन्हें प्रॉफिट कमाना है, डिस ऑब्टेन फ्रॉम सिक और डिसीज्ड एनिमल। ठीक, तो सिक एंड डिसीज्ड एनिमल का क्या मतलब है, कि वो उस समय पे जो नहीं उन्हें करना चाहिए, जो उसकी प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की, जो भी प्रोडक्ट था, अगर वो डिसीज एनिमल से मिल रहा है तो वो सही तो नहीं है ना, बेचना भी उसको नहीं सही है, लेकिन वो कर रहे हैं क्यों, उन्हें प्रॉफिट कमाना है। इट इज प्रिपेयर्ड पैक्ड एंड स्टोर्ड अंडर स्किन सैनिटरी कंडीशन, तो उसमें फिर कुछ और ऐड हो जाएगा, जैसे आपका बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो जाएंगे, केमिकल हजार्ड, केमिकल कंटामिनेशन हो सकता है, तो इस वो भी अडल्ट्रेशन हुआ। इट कंटेन्स अनपरमिटेड कलर, दैट इज ऑल्सो अडल्ट्रेशन, जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक में क्या मेटिनिन येलो यूज किया जाता है, और है ना, तो वो क्या है, बहुत डेंजरस है, वो है अनपरमिटेड कलर्स यूज करते हैं, वो भी एक अडल्ट्रेशन है। द कंटेनर केमिकल रिएक्ट्स विद द फूड एंड मेक इट पॉइजनस एंड इंजरियस टू हेल्थ, जैसे आपने देखा होगा कैन जूस होते हैं, कई सारी जो कैन होती है उनकी जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, वो क्या है, रिएक्ट कर जाती है जो उसके अंदर जो भी कंटेंट है उससे, तो उससे अगर रिएक्ट कर जाए वो, तो क्या है, वो भी एक तो पॉइजनस तो है ये, साथ में क्या है, वो अडल्ट्रेशन का ही फॉर्म है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, टाइप है इंटेंशनल अडल्ट्रेंट्स, तो सब्सटेंस कौन कौन से ऐड हो जाते हैं जैसे इंटेंशनल से, जैसे सेंड, मार्बल चिप्स, स्टोन्स, मड, अदर फ्लिक्स, टॉक, चॉक पाउडर, वाटर मिनरल ऑयल एंड हार्मफुल कलर। वो जैसे सेंड हो गया आपका, जैसे जो आपने वो देखी ना सेमोलिना, सेमोलिना यानी कि जो सूजी होती है सूजी, उसमें भी जो छोटी छोटी बारीक बारीक पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, वो रेत होता है ठीक है, बालू, उसका स्टोन्स ऐड कर देते हैं, बहुत माइन्यूट से, बहुत ही मतलब छोटे छोटे होते हैं वो, वैसे नहीं पता चलता लेकिन उसे क्लोजली देखने से पता चलता है। फिर इंसिडेंटल में आपका आएगा पेस्टिसाइड रेसिड्यूस, ड्रॉपिंग ऑफ रोडेंट्स एंड लार्वाइन फूड। तो इंसिडेंटल में जैसे आपने वो देखा ना, लार्वाइन फूड का मतलब है जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जैसे राइस है या पल्स है, उसमें क्या है, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो आपका लार्वा का, मतलब लार्वा एक कीड़े का ही वो है, तो अगर कीड़े मकोड़े हों, उसमें कोई इंसेक्ट्स हो या पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज हो, है ना, वो सब चीजें क्या है, वो इंसिडेंट है। फिर है मेटेलिक कंटामिनेंट्स, मेटेलिक में आर्सेनिक फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, लेड फ्रॉम वाटर, एक्सीडेंट फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री, स्टीम फ्रॉम कैंस, ये सारी चीजें हैं धातु प्रदूषण या मेटेलिक कंटामिनेंट्स, जो कि अडल, जो कि ऐड हो रही है फूड में किसी ना किसी रूप में। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ कॉमन अडल्ट्रेंट्स ऑन हेल्थ, तो अब ये चीजें जो ऐड हो रही हैं उसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है, वो है ना अडल्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या कॉज कर रही हैं, क्या इफेक्ट कर रही हैं वो हेल्थ पे, तो
डस्ट सैंड स्टोन एक्सेट्रा, डस्ट सैंड स्टोन एक्सेट्रा में आपके क्या है कि दीज आर फाउंड इन सीरियल्स पल्सेस एंड स्पाइसेस। ठीक है, सीरियल्स में जैसे आपको मैंने बताया कि सूजी है, सूजी में छोटे छोटे बहुत छोटे बहुत ही, क्योंकि सूजी तो खुद ही इतनी बारीक होती है, उसमें बहुत छोटे से होंगे, या फिर आपका राइस है, राइस में कंकड़ हो सकता है, पल्स में तो होगा ही, होता ही है, मतलब जो खुली वाली आती है ना पल्स, उसमें ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में आपका ऐड कर देंगे डस्ट पार्टिकल, डस्ट को, है ना, और जो आपको वो आती है, जो आती है ना रेड चिली पाउडर आता है, उसमें क्या होता है, ब्रिक का जो है पाउडर यूज करते हैं, उनकी ईंट जो होती है, ईंट रेड कलर की होती है, वो उसका चूरा यूज करते हैं। स्टोन वाइल ईटिंग कैन डैमेज टूथ एंड मसल्स, मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सोचो पत्थर है, पत्थर कैसे खाया जाएगा, एक तो मुंह में आ जाए अगर पत्थर किसी के, आपके अगर आया होगा तो आपको पता होगा, तो क्या है, एक तो दांत में लगेगा वो इतना, मतलब तो दांत को डैमेज करने का चांसेस, साथ में अगर बाई चांस वो अंदर चला जाए तो क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को तो डैमेज कर ही देगा, क्योंकि डाइजेस्ट तो होना ही नहीं है। इन्फेक्टेड डस्ट कैन कॉज सिमिलर इन्फेक्शन टू मैनकाइंड। तो आपको बताया कई सारे इन्फेक्शन जो है, कई सारे माइक्रोब्स होते हैं डस्ट में, तो अगर वो ऐड हो जाए किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं से चले जाए फूड में, तो क्या है, इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। देन केसरी दाल, तो केसरी दाल आपकी क्या है, जो कि तो उसमें ऐड की जाती है, अरहर दाल में, अरहर दाल में यूज की जाती है, दिस इज मिक्स विद अदर पल्सेस एंड इट इज चीप, दिस दाल इज कॉज ऑफ अ डिसीज और लेथरिज्म। तो लेथरिज्म डिसीज कॉज करती है ये जो केसरी दाल होती है, और मोस्ट कॉमनली किसमें यूज की जाती है, आपका जो अरहर की दाल होती है ना, और उससे लगभग मिलती जुलती होती है देखने में, इसीलिए वो ऐड करते थे, उसे पहचाना भी नहीं जा सकता। So, now, चॉक पाउडर एंड टॉक पाउडर। वो चॉक पाउडर का मतलब चॉक जो होती है वो, जिससे ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं लिखने के लिए, एंड टॉक मतलब पाउडर जो वेलकम पाउडर यूज होता है। ठीक है, सो नाउ इट इज मिक्स्ड इन व्हीट फ्लोर एंड ग्राउंड स्पाइसेस। किसमें मिक्स करते हैं इसको, व्हीट फ्लोर में यूज करते हैं, और ग्राउंड स्पाइसेस यानी कि जो पीसे हुए मसाले हैं उनमें। मैन इज अनेबल टू डाइजेस्ट इट। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कभी अगर ऑब्जर्व किया है, तो वो उन लोगों को चॉक खाने की बहुत मतलब इच्छा होती है, मतलब बहुत पसंद आती है उनको चॉक, तो मैंने देखा है बच्चों को, तो वो लोग मतलब चॉक पता नहीं क्या होता उसमें, तो उससे क्या होता है, उनको मना किया जाता है कि पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, तो क्या है वो डाइजेस्ट तो हो नहीं नहीं है, क्या है वो एक तरह से आप कह लीजिए कि मड है, या तो मड है वो, या फिर आपका जो है जो बालू टाइप का ऐसे ही मटेरियल है। ठीक है, तो क्या है वो बहुत ही खतरनाक है, एट टाइम इट कैन कैंसर। सो बहुत मतलब कुछ अच्छी चीजें नहीं है। मिनरल ऑयल कैन लीड टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इट्स सिम्टम्स स्टार्ट विद वॉमिटिंग। मिनरल ऑयल किसमें ऐड करेंगे, जो एडिबल ऑयल्स हैं उसमें ऐड करेंगे। सीड्स ऑफ आर्जिमोन, आर्जिमोन को यूज करते हैं, आर्जिमोन की सीड जो है वो यूज करते हैं मस्टर्ड सीड्स में, मिक्स कर देते हैं उसे, या मस्टर्ड सीड्स का जो द मस्टर्ड ऑयल है उसमें वो ऑयल ऐड करते हैं। दीज रिसेम्बल मस्टर्ड सीड, द प्रेजेंस ऑफ एल्केलॉइड्स इन दैम हैव बीन प्रूव्ड। कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट कॉज स्वेलिंग इन लेग, फीट एंड लार्ज लीवर, ब्लाइंडनेस एंड कैंसर। तो कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें ऐड की जाती हैं, अडल्ट्रेशन। सो एक तो अडल्ट्रेशन से बचना है, दूसरा क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ वाटर, इट इज मिक्स विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वाटर ऐड करते ही है मिल्क में, इफ मडी डर्टी वाटर इज यूज इट कैन कॉज इन्फेक्शन, है ना। शुगर क्या है, शुगर इट इज मिक्सड इन हनी, हनी का मतलब शुगर सिरप बना के हनी में ऐड कर देते हैं। नाउ चीप एंड वेस्टफुल सीड, चीप एंड वेस्टफुल सीड किसमें, जीरा, जीरा जो आपका होता है क्यूमन सीड्स, जो मोस्ट कॉमनली जो जो फ्राई करने के लिए जैसे जो तड़का लगाते हैं ना वो, उसमें जीरा यूज करते हैं, वो आपका जीरा, उसमें क्या है ग्रास सीड्स, घास के बीज यूज करते हैं।
नाउ ब्लैक पेपर मिक्स्ड विद पपाया सीड्स। ब्लैक पेपर किसके साथ मिक्स किया जाता है? जो पपीते के बीज होते हैं, क्योंकि पपीते के बीज अगर आपने देखे हैं, देखे ही होंगे ऑफ कोर्स, तो वो बिल्कुल काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर की तरह दिखाई देते हैं। रोस्टेड टैमरिंड इन कॉफी और कोकोआ। जो आपका इमली का बीज देखा है ना, वो उसका कलर भी ब्राउन सा होता है और कॉफी का भी होता है। कॉफी और कोकोआ दोनों में एडल्टरेशन करने के लिए उसका पाउडर बना के ऐड कर देते हैं। मिक्सिंग ऑफ कॉटन सीड ऑयल इन एक्सपेंसिव ऑयल लाइक कॉटन, कोकोनट स्पाइस, पीनट ऑयल। तो ये अगर कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें, तो ये तो ऐसा है कि ये कुछ हार्म नहीं कर रहा, लेकिन क्या है तो एडल्टरेशन ही। तो ये जो आपका है, ये कॉटन सीड ऑयल यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ ट्री बार्क लीव्स। तो ट्री बार्क लीव क्या? ट्री बार्क लीव यानी कि आपका जो ये जो होती है छाल जो होती है पेड़ों की। मिक्सिंग ऑफ ट्री बार्क विद दालचीनी। तो दालचीनी क्या है, एक तरह से छाल फॉर्म में ही होती है, देखा होगा अगर आपने, तो एक दूसरे पेड़ की छाल होती है, तो उसमें यूज कर देते हैं क्या, एक दूसरे पेड़ की छाल मिला देते हैं। मिक्सिंग ऑफ वेस्टफुल लीव्स और यूज्ड लीव्स विद फ्रेश टी लीव्स। तो जो जो ताजे चाय के जो ग्रीन टी जो ग्रीन लीव्स होंगे चाय के, या ड्राइड लीव्स होंगे, उसमें क्या करेंगे, किसी दूसरे पेड़ के लीव्स को यूज कर देते हैं, या फिर यूज जो हो चुके हैं वेस्ट लीव्स हैं उनको यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है ड्राइड कोकोनट हस्क हेयर इन सैफ्रॉन। तो सैफ्रॉन क्या है, सैफ्रॉन भी आपका जो है एक तरह से क्या है, स्ट्रैंड होते हैं उसमें, और जो कोकोनट है कोकोनट में भी आपका स्ट्रैंड होते हैं, तो उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैदा अरारूट पाउडर मैश्ड पोटेटोस। पोटेटोस तो मैदा अरारूट, अरारूट आपने सुना ही हो, अरारूट बोलते हैं उसको हिंदी में, एरोरूट होता है वैसे वो। इसलिए इसे किस में मिक्स करते हैं, मिक्स इन मिल्क खोआ, आइसक्रीम, बर्फी, रसगुल्ला, बटर, घी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं आपका जो मिल्क से फॉर्म हुआ हुआ खोआ है, मावा, जिस मावा या फिर खोआ बोल लीजिए। बर्फी बनाते हैं उसमें क्या, जो मावा होता है उसे ऐड नहीं करते, क्या ऐड कर देते हैं उसमें, मतलब मावा ऐड करते हैं, बट उसमें क्या यूज करते हैं साथ में, वो लोग मैदा। जो जब आपने देखा है कि जो त्योहारों पर कितनी ज्यादा वो होती है, मिलावट होती है, और कितनी जगह पे पकड़ा भी जाता है ये सब, कि यहाँ पर मिलावट पाई गई, यहाँ पर मिलावट पाई गई, तो वो सब क्या है, एडल्ट्रेशन। वही तो एडल्ट्रेशन है। पॉइजनस फॉरबिडन कलर्स यूज इन बिस्किट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड पाउडर, प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्वीट्स, पल्सेस, जैम्स, जेलीज, जूस, स्पेशियस एल्कोहलिक बेवरेजेस, मीट, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड फूड एक्सेट्रा। तो अब जो है कितने कलर्स ऐसे हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए यूज करना, अब क्योंकि वो मतलब बहुत ही डेंजरस इफेक्ट डालते हैं हमारे बॉडी पर, तो उनको क्या है, नॉन परमिटेड है, वो कोई परमिट नहीं कर रखा कि वो यूज करे जाए फूड में। लेकिन फिर भी क्या है, लोग अपने फायदे के लिए, फूड का अपियरेंस इनहेंस करने के लिए, उसे अच्छा दिखाने के लिए क्या है, यूज करते हैं। तो इन सब चीजों में कलर यूज होता है, तो वो सब चीजें अडल्ट्रेशन है आपकी। नाउ व्हाट आर द फॉरबिडन डाइस और कौन कौन सी हैं? तो पहला है लो लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट, द कंसेंट्रेशन ऑफ लेड इन द बॉडी कैन बी अ रीजन फॉर ब्रेन डैमेज, इसीलिए इसको मना किया गया, यानी कि ये परमिटेड नहीं है। अदर इफेक्ट्स आर एबॉर्शन, मेंटल रिटार्डेशन, पैरालिसिस एंड एनीमिया। कितना डेंजरस है इसका इफेक्ट, तो अगर ये लगातार लिया जाए, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ ले रहा है फूड प्रोडक्ट जिसमें ये वाली डाई है, यूज हुई है कलर लेट क्रोमेट का, और वो लगातार उससे ले रहा, तो उसका तो होना ही है काम खराब। तो नाउ नेक्स्ट इज मेटानिल येलो। मेटानिल येलो आपको किसमें यूज किया जाता है, आपकी पल्स में मोस्ट कॉमन, सॉरी पल्स में भी यूज किया जाता है, पल्स को येलो कलर देने के लिए, और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है टर्मरिक में। यू कैन नोट इट डाउन कि जो टर्मरिक में मोस्ट कॉमन कलर कलरेंट यूज किया जा रहा है एज ए एडल्ट्रेंट, तो वो है मेटानिल। मेल शो साइन ऑफ डिजीज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो है हार्मफुल इफेक्ट डालती है
ये वाली डाई एंड कलर में इज मिक्स्ड विद आइस कैंडी, फालूदा, आइस एंड पल्सेस। तो कलर को अपियरेंस, उसका अपियरेंस इनहेंस करने के लिए वो सब यहाँ पे डाई यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये हार्म करती है बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज रोडामिन बी। रोडामिन बी को तो बहुत पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ही डेंजरस है ये, मिक्सड इन रेड चिली पाउडर एंड चूर्ण। चूर्ण जो आपका रेड कलर या पिंक कलर के जो चूर्ण आता है उसमें यूज करते हैं। ऑरेंज मिक्सड इन कराची हलवा। ऑरेंज, आपने कराची हलवा देखा था, उसका कलर होता है ना वैसा ही होता है, ऑरेंज लाइट ऑरेंज टाइप का, तो वो उसमें यूज किया जाता है। ऑरामिन, ऑरामिन यूज किया जाता है आपने शुगर कोटेड सूप एंड सुपारी में। इफेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग, इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, लिवर और स्प्लीन। तो ये जो आपका है, क्या है ये आपका ऑरामिन, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किडनी को, किडनी के फंक्शनिंग को एंड लिवर स्प्लीन को। ठीक है, तो इसका अगर ऐसे फंक्शन अफेक्ट भी पूछ सकता है ऐसे, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं आएगा, ऐसे ही पूछेंगे कि किस चीज में ये यूज होता है, ये कौन सा कलर ये देता है। नाउ मलाची ग्रीन, मलाची ग्रीन ग्रीन कलर देता है, यूज इन कोकोनट सीड्स, कलर्ड पीस ऑफ ट्यूमर इन लंग्स, कलर्ड पीस। ठीक है, और ये कॉज करता है, यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये कॉज क्या करता है, ट्यूमर्स इन लंग्स एंड ब्रेस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिट्रस रेड। तो सिट्रस रेड क्या करता है, रिजल्ट्स इन स्किन इन्फेक्शन विच वुड बी कॉज ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे कुछ जो डाइज हैं उनके तो नाम के पीछे ही कलर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ के पीछे नहीं लिखा हुआ, तो उसका आप थोड़ा पढ़ लेना एक दो बार। वर्क ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम होता है ना, एक तो होता है सिल्वर फॉइल जो स्वीट्स पर लगाते हैं, ठीक है, मतलब चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं, और एक होता है एल्यूमिनियम। तो कुछ लोग जो है सिल्वर की जगह जो है एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और एल्यूमिनियम जो है वो बॉडी में जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये मैंने अभी पढ़ी थी एक रिपोर्ट, उसमें था कि वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या है, मिक्स इन सूजी एंड टी लीव्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी। तो अभी ये क्या देखा आपने कि सूजी में क्या है, छोटे छोटे आयरन फिलिंग, यानी कि बहुत ही नन्हे नन्हे से कण जो है लोहे के, जैसे लोहा कहीं टूटता होगा है ना, जो लोहे का काम करते हैं जो लोग, वो वहां पे लोहा अगर टूटता है तो उसका चूरा चूरा बन जाता होगा, वो चीज यूज की जाती है सूजी में ताकि उसका वेट इंक्रीज हो जाए। सूजी में तो इतना मतलब सूजी में वजन होता है पर उसमें ज्यादा होता है आयरन। नाउ नेक्स्ट इज ब्लू VRS। VRS स्टैंड फॉर विट्रो ओरिएंटल सिंपोजियम। तो ये इस डाई का नाम है और ये स्वीट्स में यूज की जाती है। अब यहाँ पर ये पूरा टेबल है कि कौन सा जो है फूड प्रोडक्ट है और उसमें कौन सा अडल्टरेंट है और उसका डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नाउ मिल्क, फर्स्ट है मिल्क, मिल्क में वाटर अडल्टरेंट के फॉर्म में है, प्योर मिल्क विल स्टॉप और फ्लो स्लोली, और अडल्टरेटेड मिल्क जो है एकदम से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जो शुद्ध है दूध प्योर है वो आपकी पाम पर रुका रहेगा, मतलब एक जगह ड्रॉप अगर डाले थोड़ी देर रुकी रहेगी, अगर उसे हवा से या किसी तरह से मूव करेगी, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन जो जो वाटर अडल्टरेटेड है जिसमें पानी डला हुआ है वो क्या है, वो फ्लो कर जाएगा। फिर है मिल्क में क्या यूज किया जा रहा है, यूरिया, ताकि उसका जो है नाइट्रोजन, जो नाइट मतलब उसका जो आपका जैसे एग्जामिनेशन करते हैं कि क्वालिटी एग्जामिनेशन करके लेते हैं, तो उसमें यूरिया ऐड किया जाता है ताकि वो एक तो उसकी जो है क्वांटिटी बढ़ जाए और वो मिल्क जैसा प्रोटीन उसका कंटेंट बना रहे। 5 ml मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, और फिर उसमें क्या यूज किया जाता है, ब्रोमो थाइमोल ब्लू सॉल्यूशन, ब्रोमो थाइमोल ब्लू सॉल्यूशन को यूज करते हैं, और फिर अगर उसमें यूरिया है तो क्या होता है, ब्लू कलर निकलता है 10 मिनट के अंदर अंदर। फिर मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स में क्या है, आर्जिमोन सीड्स यूज किए जाते हैं, और आर्जिमोन क्या है,
आर्जीमॉन का अगर सीड का सीड्स की बात हो रही है, ऑयल्स में तो मुश्किल है थोड़ा, अगर सीड्स करें तो आर्जीमॉन का जो सरफेस है वो बहुत रफ, थोड़ा रफ है, और जो मस्टर्ड सीड है वो क्या है, बहुत चिकने होते हैं वो, बहुत ही मतलब हाथ में भी आप लोगे तो दो तीन दाने अगर पकड़ के देखो तो स्लिप करेंगे वो। अगर मुट्ठी भर अगर आप हाथ में लोगे तो क्या होगा, मुट्ठी भर वो रुकेंगे नहीं, जितने आपने लिए उसमें सब ड्रॉप होते रहेंगे होते रहेंगे, ऐसा ऐसा होता है उसका सरफेस। देन आइसक्रीम, आइसक्रीम वॉशिंग पाउडर यूज किया जाता है, फॉर्म आए जिससे लेमन जूस बबल्स आर ऑब्जर्व, तो अगर उसमें लेमन जूस डालोगे तो क्या है, बबल्स दिखाई देंगे अगर उसमें वॉशिंग पाउडर है। नाउ शुगर, शुगर में क्या यूज किया जाता है, चॉक, डिजोल्व शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर, अगर मोस्ट कॉमन अगर चॉक की बात करें तो चॉक पाउडर पाउडर शुगर में देखी जाएगी, ठीक है, डिजोल्व शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर, चॉक सेटल डाउन, लेकिन जो शुगर है वो क्या है, वाटर में जाएगी लेकिन चॉक नीचे बैठ जाएगी। सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल में क्या, एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं उसकी जगह, सिल्वर फॉइल बर्न्स ऑन इग्निशन लीविंग वॉइड स्फेरिकल बॉल, एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू ब्लैक ग्रे एश, तो जो सिल्वर फॉइल है अगर इसको बर्न करोगे तो क्या है, व्हाइट बॉल देगा वो, मतलब व्हाइट व्हाइट रहेगा, और जो एल्यूमिनियम है वो ब्लैक ग्रे हो जाएगा, ठीक है। पानी क्या है, जलते तो दोनों ही नहीं है, उसमें से जो बचा है रेसिड्यू बचेगा ही बचेगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम का बचेगा वो ग्रे बचेगा। हनी है, हनी में आपको वाटर ऐड करते हैं और यहाँ पर शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर भी ऐड करते हैं और साथ में शुगर भी ऐड करते हैं, ये है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कॉटन विड डिप्ड इन हनी बर्न्स वाटर विल नॉट बर्न एंड गिव्स क्रैकिंग साउंड, तो अगर एक तो है कि वो जलता है, जो हनी है प्योर हनी है वो जलता है, लेकिन अगर उसे आप आंखों के पास भी ले जाओगे ना, जो प्योर हनी है वहां पर भी वो जलन देता है, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है उसकी, तो वहां पे भी आपको आंखों के पास ले जाने से पता चल जाएगा कि हाँ ये प्योर हनी है। नेक्स्ट है फूड इंटेंशनल, जो इंटेंशनली ऐड किए जा रहे हैं एडल्टरेंट कौन सा है, और का डिटेक्शन, कॉफी, कॉफी में क्या यूज किया जा रहा है, चिकोरी सीड्स, ये क्वेश्चन तो कई बार आ गया, कॉफी में कौन से जो है कौन सा एडल्टरेंट यूज किया जा रहा है। फिर टेमेरिंड सीड्स पाउडर जो बताया था अभी, स्प्रिंकल कॉफी पाउडर इन वाटर will float while chicory will settle down in 2 seconds. तो अगर कॉफी पाउडर करोगे तो क्या है फ्लोट कर जाएगा, लेकिन चिकोरी सीड का जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा। टी है, अब टी में कलर लीव्स आयरन फिलिंग्स यूज की जाती हैं, अब क्या करना है उसके लिए, रफ टी लीव्स ऑन व्हाइट पेपर आर्टिफिशियल कलर कम्स आउट, यूज मैग्नेट इट विल स्टिक, स्प्रिंकल टी ऑन वेट फिल्टर, अगर आयरन फिलिंग की जांच करनी है उसको एग्जामिन करना है तो क्या है, वाटर उसे मैग्नेट यूज करा जाए। फिर टी जो वेस्ट है उसमें क्या है, वेट फिल्टर पर स्प्रिंकल करो, और अगर रेड स्पॉट्स दिखाई देंगे अगर वो वेस्ट है या यूज करी हुई टी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड चिली पाउडर, तो रेड चिली पाउडर में रोडामिन बी यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ ब्रिक पाउडर ईंट का चूरा, तो उसमें क्या करना है कि उसमें 2 ग्राम पाउडर लो और उसमें 5 ml एसीटोन में डालो उसको, और रेड कलर अपियर होगा अगर उसमें रोडामिन डाला हुआ। और जो ब्रिक पाउडर का करना है तो क्या करना है कि उसको वाटर में करिए डिजोल्व करिए, और जो आपका जो ये ब्रिक पाउडर है सेटल हो जाएगा और चिली पाउडर नहीं होगा इतनी जल्दी। दाल क्या है, दाल दाल में बताया था आपको मैटरनिल येलो, जो पल्सेस जैसे अरहर दाल हो गया और चने की दाल है, तो चने की दाल में इतना नहीं होता लेकिन अरहर की दाल में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ल्यू फॉर्म वाटर एड पल्सेस एंड ड्रॉप ऑफ HCl, पिंक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो अगर मेटेरियल वहां पर यूज हुआ है तो उसमें HCl की बूंद डालते हैं ग्लू वॉर्म वाटर में पल्स के साथ, तो पिंक कलर अपियर होगा। नाउ प्योर घी, प्योर घी में वनस्पति यानी कि जो डालडा आपने सुना होगा, तो वनस्पति घी को यूज किया जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, 1 teaspoon melted घी टू कंसेंट्रेटेड HCl एंड एड पिंच ऑफ केन शुगर, शेक वेल, कीप ऑन 5 मिनट्स, कीप फॉर 5 मिनट्स, क्रिम्सन कलर इन
लोअर हेयर्स इज सीन, अगर वहां पे देसी घी नहीं है, प्योर घी नहीं है, वनस्पति है, तो क्रिम्सन कलर अपियर होगा। फिर है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में क्या यूज करा जा रहा है, पपाया सीड्स यानी कि पपीते के बीज, और वो एल्कोहल में फ्लोट कर जाएंगे, लेकिन पेपर जो है पेपर में पेपर सिंक करेगी, ये डूब जाएगी, और पपाया का जो सीड है वो फ्लोट करेगा क्योंकि वो वजन में हल्का होता है। कॉमन सॉल्ट में आपका व्हाइट पाउडर स्टोन यानी कि आपका व्हाइट जो टेलकम पाउडर वो यूज कर दें, या स्टोन पाउडर यूज कर दें यानी कि रेत बालू व्हाइट कलर का। स्पून स्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर, चॉक विल डिजॉल्व चॉक विल ये व्हाइट कलर एंड अदर इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन। तो अगर चॉक है तो वो सेटल डाउन भी हो जाएगी नीचे, और दूसरा क्या है, पानी का कलर भी चेंज होगा साथ में, क्योंकि आपने सॉल्ट डाला हो तो देखते हैं कि नहीं होता है कलर चेंज, थोड़ा बहुत धुंधला हो भी जाए लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कलर चेंज हो जाए पानी का। अब है इंसिडेंटल इन और इंटेंशनल वेंटिलेशन। अभी जो थे वो सारे क्या थे, इंसिडेंटल थे, सॉरी वो इंटेंशनल थे जो जान के ऐड किए जा रहे हैं। इंसिडेंटल तो आर्सेनिक, आर्सेनिक फ्रूट्स में होएगा आपका और ड्रिंकिंग वाटर में, कैसे, पेस्टिसाइड्स है वो, पेस्टिसाइड से आ रहा है तो क्या है, फ्रूट में आएगा क्योंकि वहां पे क्रॉप में लगा है, ड्रिंकिंग वाटर में कैसे आएगा, वो खेतों से बहकर आपके या तो वाटर जो भी का वाटर सोर्स है वहां तक पहुंच रहा है। उसके बैड इफेक्ट्स हैं डिजीनेस, चिल्स, क्रैम्स। फिर आपका बैरियम है, बैरियम फूड कंटामिनेटेड बाय रेड पॉइजन। रेड पॉइजन जो जो चूहा चूहे को मारने के लिए जो यूज किया जाता है पॉइजन, इससे जो इफेक्ट होगा वो होगा मस्कुलर ट्विच। ठीक है, नेक्स्ट इज कैडमियम। कैडमियम फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इससे लीवर किडनी एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड गेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका है कोबाल्ट वाटर एंड बीयर, ठीक है, कार्डियक फेलियर लीड करेगा। कॉपर आपका एसिड फूड्स में है, इससे क्या होगा, वॉमिटिंग एंड डायरिया। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड आपका प्रोसेस्ड फूड एंड वाटर में ब्रेन डैमेज ब्लड का पूछा जा सकता है, तो ये इसका जो मोस्ट कॉमन जो हार्मफुल इफेक्ट होगा वो है ब्रेन डैमेज एंड ब्लाइंडनेस। मरकरी, मरकरी भी आपका ब्रेन डैमेज को लीड करता है, सेम इफेक्ट है इसका। और फिश में होगा जो सी फूड है। फिर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऑल टाइप ऑफ फूड में पाई जा सकती है जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, फ्रूट, क्योंकि फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, और अगर सी फूड की भी बात करें तो अगर रन ऑफ हो रहा है जो एग्रीकल्चर वेस्ट है या पानी खेतों से जा रहा है कहीं वाटर सोर्स में, तो भी तो इसका इफेक्ट होगा किडनी, लीवर, ब्रेन, इन सबको डैमेज करेगा। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मीट में जो, क्योंकि जिसे जो पशु हैं या जो एनिमल्स हैं उनको अगर दी जा रही है एंटीबायोटिक्स तो उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ अभी हेल्थ हजार्ड्स। तो हेल्थ हजार्ड्स कौन कौन से हैं जो कि उनकी वजह से, अडल्ट्रेंट्स की वजह से या फिर किसी इग्नोरेंस की वजह से हो रहे हैं। तो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, फिर आपका है मेटल कंटामिनेट्स एंड बैक्टीरियल एंड फंगल कंटामिनेट्स और पेस्ट एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। तो फिर नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग हजार्ड्स। अब एक WHO FAO, जो WHO ने को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद म्यूचुअल कॉपरेशन सेटअप कॉडिक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ठीक है, कॉडियस कॉडिक्स एलिमेंट्रियस आपने सुना होगा। इट मेन एम वॉज टू सेट अप स्टैंडर्ड फॉर फूड स्टफ। इट ऑपरेट्स एट टू लेवल। फर्स्ट जो लेवल है वो क्या है, PFA एंड FPO। तो PFA जो आपका है, जो PFA बना था वो, जिसमें सारे एडल्ट्रेशन से रिलेटेड एक्ट्स हैं, लॉज हैं। फिर FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, तो ये क्या है, लॉज रिलेटेड टू वेजिटेब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हायर लेवल स्टैंडर्ड्स की बात करें, एगमार्क आपको जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एगमार्क से, और ISI एंड BIS के लिए जो सर्टिफिकेशन जो मार्क होता है वो ISI होता है। ठीक है, नाउ स्टैंडर्डाइजेशन इज मेथड बाय विच क्वालिटी कंट्रोल कैन बी मेंटेन। तो स्टैंडर्ड डाइजेशन क्या प्रोसेस है जिससे क्या है, क्वालिटी को
पता चलेगी कि हाँ अगर कोई स्टैंडर्ड्स का, कोई स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है या कोई स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है किसी प्रोडक्ट को, क्या है कि श्योरिटी रहेगी कि हाँ इसकी क्वालिटी कुछ सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएफए एंड एफपीओ स्टैंडर्ड्स इज टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी अटेनेबल अंडर इंडियन कंडीशन बाय मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, प्रोसेसर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज। अब इसमें कौन कौन सी ग्रेड है, किसमें आपका ये जो है एफपीओ, ठीक है, तो एगमार्क में, एगमार्क और एफपीओ में आपका, तो यहाँ पर ये आएगा गुड फेयर ऑर्डिनरी, ठीक है, यहाँ पर आपका एवरेज आएगा, गुड फेयर एंड ऑर्डिनरी, ऐसे करके इंक्रीज करेंगे। तो सिलेक्ट मी चेक वंस, यहाँ पर एफपीओ तो एवरेज हो सकता है, अभी मुझे नहीं है जो माइंड हो रहा है तो बता दूँ, एवरेज में नाउ एफपीओ मार्क्स आर गिवन टू, एफपीओ मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, कौन किसे किसे दिए जाएंगे जो भी फ्रूट से बने हुए हैं, वेजिटेबल से बने हुए प्रोडक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एफपीओ मार्क किसे मिलेगा जो फ्रूट फ्रूट या फिर वेजिटेबल से बना है। प्रिजर्व फ्रूट आपका कैंस और बॉटल्स से जो होता है वो, फिर है आपका नेक्स्ट है प्रिजर्व वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस एंड फ्रूट पल्प्स, कैन बॉटल्स एंड अदर पैकेजिंग, फ्रूट ड्रिंक्स, जैम्स, जेलीज, मार्मलेड, ठीक है, ये मार्मलेड, स्क्वैश, पिकल्स, चटनी, मुरब्बास, ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैंडीड प्लेट फ्रूट्स, मतलब जितने फूड फ्रूट प्रोडक्ट्स है, सेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट जूसेस, फ्रूट पल्प, स्क्वैश, एरेटेड ड्रिंक्स, कोला एक्सेट्रा, आर्टिफिशियल विनेगर, विनेगर भी फ्रूट से बनता है, जैसे आपका जो ब्लूबेरी होती है उससे बनता है या फिर शुगर केन से बनता है, ठीक है। नाउ आईएसआई सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट, जितने फ्रूट एंड फ्रूट वेजिटेबल्स से हैं अगर इनमें से ऑप्शन में आए तो क्या होगा, एफपीओ से सर्टिफाइड होंगे, और अगर आईएसआई की बात करें तो एडिबल कॉमन सॉल्ट, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर, बेकिंग स्कीज, वर्मेसिली, मैक्रोनी, स्पेगेटी, चीज, आइसक्रीम, रम, बियर, गिन, विस्की, ब्रांडी, एरोनट, ठीक है, फिर आपका है बिस्किट्स, कोकोआ पाउडर, कंडेंस मिल्क, कॉफी पाउडर एंड बेसन, ये सारी चीजें आपके किससे हैं, आईएसआई सर्टिफाइड, ठीक है, जो बेसन है बेसन पे एग मार्क का भी साइन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ आईएसआई सर्टिफाइड हाउस होल्ड इक्विपमेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए ये मैंने इसलिए है आपको क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि आईएसआई मार्क इनमें से कौन सा जो है सर्टिफिकेशन होता है इस वाले इक्विपमेंट पे, या फिर जो आईएसआई मार्क है वो कौन कौन से फूड प्रोडक्ट पर या कौन कौन से इक्विपमेंट्स पर हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक वाले जो है आपके उनमें सारे आईएसआई होता है। अब ये है एग मार्क, एग मार्क कौन कौन से फूड पर होगा, आपका घी है, इडिबल ऑयल है, पल्सेस है, व्हीट फ्लोर है, बटर है, हनी है, ग्राइंड स्पाइसेस एंड पीसे हुए जो मसाले हैं, बेसन, ठीक है। अब क्या है क्वालिटी, क्या चीज होती है क्वालिटी, कैन बी डिफाइंड दैट व्हिच मेक्स अ थिंग व्हाट इट इज, नेचर, कैरेक्टर, काइंड, प्रॉपर्टीज, स्टेटस, ग्रेड ऑफ गुडनेस एंड एक्सीलेंस। क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता, एक तो चीज है ओरिजिनल यानी कि जो वैसी जैसी वो है वैसी ही रहे, उसका नेचर वैसा ही हो, उसका जो करेक्टर है वो वैसा ही रहे, तो वो ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल जो है वो फॉर्म वही क्वालिटी है, मतलब वो सबसे जो प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म है, दैट इज A1 क्वालिटी। द
लेबल्स ऑफ ऑल प्रीपैक्ड फूड शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग. दिस इज लेड डाउन बाय इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज ISI. ठीक है, तो क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए उस पर? एक तो नेम ऑफ द फूड होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, नेट कंटेंट होना चाहिए कि कितना उसमें वेट है. ठीक है, फिर मतलब कितना कंटेंट है उसमें. फिर एड्रेस एड्रेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नीचे लिखा रहता है कि ये वाला ये सन्स, और फिर उसके जो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका नाम लिखा होता है. कंट्री ऑफ ऑरिजिन, कहाँ से शुरू है मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोडक्ट बनना. फिर लैंग्वेज, बैच नंबर ऑफ कोड नंबर होना चाहिए, बार कोड भी होता है उस पर. इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर स्टोरेज, अब स्टोर कैसे करना है उसको वो भी होना चाहिए. डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी, मैक्सिमम कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लोकल टैक्सेस. ठीक है, नाउ ये जो है PFA, ये पढ़ना जरूरी तो नहीं है, जिसमें धारा है ना वो PDF में आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो ये चीज जो थी इतनी ही थी इसके इसमें पढ़नी थी. अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ. ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग न्यूज. नेक्स्ट टॉपिक है थेरापेटिक न्यूट्रिशन. सो थेरापेटिक न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन, थेरेपी एंड न्यूट्रिशन ऐसा कुछ लग रहा होगा ना इसको पढ़ने के बाद. तो न्यूट्रिशन जो है उसको एज अ थेरेपी यूज करना, न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स को एज अ थेरेपी यूज करना है थेरापेटिक न्यूट्रिशन. नाउ diet therapy or therapeutic nutrition is a branch of dietetics with concern with the use of food for therapeutic purpose. Diet therapy is a broad term used for the practical application of nutrition as preventive or corrective treatment of a disease. ठीक है, तो एक डिसीज को प्रिवेंट करने या फिर अगर हो गई है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए को ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन को. इट कंसर्न विद रिकवरी फ्रॉम इलनेस बाय गिविंग गुड डाइट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. इट मे बी इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाइटरी लाइफस्टाइल टू प्रमोट ऑप्टिमम हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशन काउंसलर मे प्रिस्क्राइब अ डाइट थेरेपी टू एन ऑबेस पर्सन टू ग्रो हेल्थ. तो एक जो व्यक्ति है जो ओबीज है यानी कि मोटा है, मोटा है तो अब क्या है उसको नीड है कि वो अपनी कैलोरीज को क्या करे, बैलेंस करे, कम करे. जितना वो ले रहा है उससे उसे कम लेने की जरूरत है, और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे. वो सारी चीज क्या है, वो एक डाइटिशियन रिकमेंड करती है. वो भी थेरेपी है जिससे वो सही हो जाएगा, उसकी जो कंडीशन है वो रिस्टोर होगी. तो दैट इज थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन या फिर डाइट थेरेपी. ठीक है, नाउ द थेरेपी में इन्वॉल्व इंक्लूडिंग फूड्स दैट इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन वाइल अवॉइडिंग फूड जो कि कंडीशन को वर्स बनाते हैं. बेसिकली द थेरेपी प्रमोट्स अ बैलेंस सिलेक्शन ऑफ फूड वाइटल फॉर गुड हेल्थ. अब इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनल डाइट थेरेपी में वो कौन कौन से हैं? मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, करेक्ट डिफिशियंसीज और डिसीज अगर कोई है तो. ठीक है, provide rest to body, help metabolize the nutrients, make changes in body weight when necessary. ठीक है, तो ये सारे हैं principle. अब जो therapeutic diet के जो attributes हैं यानी कि उसके जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए, वो हैं adequacy, accuracy, economy and palatability. ठीक है, एक तो वो एडुकेट हो, एक्यूरेसी हो, इकोनॉमी हो, मतलब इकोनॉमिक हो जो भी आइटम्स में यूज किया जा रहे हैं. ये नहीं है कि कर तो रहे हैं थेरापेटिक न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल यूज या डाइट थेरेपी चल रही है बट क्या है बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें सिर्फ इंक्लूड हो रही है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा. ठीक है, एंड पैलेटेबिलिटी. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपीज, टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू करेक्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज व्हिच मे हैव अकर ड्यू टू द डिसीज. ठीक है, अगर किसी को अनीमिया है, मान लो अनीमिया क्या है, डिसीज है, तो क्या है वो कोई तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से ही है लेकिन क्या है वो एक डिसीज बन गई है, उसे किस कॉज करना, उसे
करना है, ट्रीट भी करना है, और जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जैसे आयरन की डिफिशियंसी है उसको सही भी करना है। आयरन की कमी पूरी होगी तो क्या होगा, वो सही हो जाएगी, कंडीशन भी रिस्टोर हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज भी खत्म हो जाएंगी, मतलब वो इफिशियंट हो जाएगा। टू अवॉइड रिस्क टू द होल बॉडी और टू स्पेसिफिक ऑर्गन अफेक्टेड बाय द डिजीज। मान लीजिए किसी का जो है जीआई ट्रैक्ट है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड है, तो क्या है उसे आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि तो जाओ तुम छोले पूरी खाओ, तो क्या है वो उसकी कंडीशन को वर्स बनाएगा। तो अवॉइड करेंगे उन चीजों को जिससे उसके जो है स्टमक जो आप उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेस्ट मिले, और उसको ऐसा बोलेंगे लाइट लाइट चीजें जिससे उसको पॉरेज बोल देंगे है ना, और दलिया बोल सकते हैं उसको, और लाइट वेट मतलब जो लाइट है चीजें डाइजेस्ट होने में वो ऐसी चीजें उसको रिकमेंड की जाएंगी। एडजस्ट द फूड इनटेक टू बॉडीज एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द डिजीज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन बॉडी वेट व्हेन एवर नेसेसरी। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नॉर्मल डाइट में बी मॉडिफाइड टू, अब क्या उसमें चेंजेस ऐसे किए जाएंगे कि वो नॉर्मल डाइट को नॉर्मल डाइट से वो थेरेप्यूटिक डाइट बन जाए, तो उसमें क्या होगा, प्रोवाइड चेंज इन कंसिस्टेंसी एज इन फूड एंड सॉफ्ट डाइट्स। तो है तो वो नॉर्मल डाइट का ही फॉर्म, मतलब जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं है तो वही चीज, लेकिन क्या है उसको उसकी फॉर्म उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर दी। जैसे अब हम लेते हैं दाल, ठीक है दालें हम लेते हैं, लेकिन क्या है जब हम उसे फ्लूइड डाइट देंगे क्या है उसे दाल का पानी दिया जाएगा, दाल नहीं दी जाएगी दाल का पानी दिया जाएगा, वो भी स्ट्रेन्ड। अगर उसे क्लियर फ्लूइड डाइट चल रही है, क्लियर लिक्विड डाइट चल रही है, तो दाल का पानी वो भी कैसा स्ट्रेन्ड, तब उसमें कोई भी पार्टिकल तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो दाल का दाना ना जाए। और फ्रूट जूस दिया जा रहा है तो वो भी स्ट्रेन्ड क्लियर लिक्विड में, और फुल फ्लूइड है तो उसमें दे सकते हैं बिना छना हुआ। ठीक है, अब सॉफ्ट डाइट है, सॉफ्ट डाइट में जैसे खीर हो गया या दलिया हो गया मुलायम सा या पॉरेज हो गया, ये सारी चीजें क्या है सॉफ्ट डाइट। अब क्या है कंसिस्टेंसी को थोड़ा चेंज कर दिया, अब उसमें सॉफ्ट डाइट में भी ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ड्राई ड्राई दलिया देंगे, वैसा भी नहीं होता, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा जाता था, लूज रखा जाता। फिर है इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी वैल्यूज। तो अगर उसकी कंडीशन ऐसी है जैसे कोई ओबीज है तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे उसकी एनर्जी कंटेंट जितना भी है उसकी डाइट का। फिर और अगर लो है उसका, या तो वो अंडर वेट है या माल नरिश है, तो क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर उसकी कंडीशन ऐसे है कि उसे हाई जैसे फीवर है, फीवर में क्या है हाई एनर्जी डाइट की जरूरत है, तो अब क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे उसकी कैलोरी वैल्यूज, इंक्लूड ग्रेटर और लेसर अमाउंट्स ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर जैसे या कोई पेशेंट है उसे हाइपरटेंशन, तो क्या करेंगे उसका जो सोडियम है उसको क्या करेंगे लो करेंगे, डाइट में बहुत ही कम सोडियम उसे दिया जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज बल्क हाई एंड लो फाइबर। ठीक, अगर किसी को बिल्कुल अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट हो तो उसे क्या हाई बल्क डाइट दी जाएगी, हाई फाइबर डाइट दी जाएगी, लो फाइबर दी जाएगी उसे डायरिया हो, क्रॉन्स डिसीज हो, या फिर कोई ऐसी डिसीज हो जिससे क्या है उससे मतलब उसके जो है रिगर्टेशन वाली डिसीज हो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो उसे लो फाइबर डाइट दी जाएगी। टू मॉडिफाई द इंटरवल ऑफ फीडिंग। ठीक है, जो प्रॉपर मेंटेनेंस रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्लान की उसे कितने घंटे के अंतराल पर दूसरी जो है जो क्या कहते हैं फूड है दूसरी फीडिंग कब करानी है उसको, ठीक है मतलब दूसरी बार खाना कब देना है उसको। इंक्लूड और एक्सक्लूड स्पेसिफिक फूड्स एज इन एलर्जी कंडीशन एंड डाइट्स। तो अगर कोई एलर्जिक है किसी भी चीज से, थोड़ा बहुत भी है ना, या फिर किसी चीज से उसे रिएक्शन हो रहा है, तो उन चीजों को अवॉइड किया जाता है। नाउ फॉर्म्स ऑफ डाइट, मतलब कितने टाइप्स की डाइट है, तो फर्स्ट है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट कंसिस्ट ऑफ फूड दैट आर लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो भी डाइट जो भी फूड है वो क्या हुआ आपका लिक्विड, ठीक वो आएगा आपका किसमें आएगा आपका लिक्विड डाइट। इन दिस डाइट न्यूट्रिटिव वैल्यू इज लो एंड इज यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड्स ऑफ टाइम। द लिक्विड डाइट इज यूज्ड द लिक्विड डाइट इज यूज्ड टू कीप फीकल मैटर इन द कॉलन एट मिनिमम आफ्टर सर्जरी टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम वॉमिटिंग और डायरिया। ठीक, तो
फ्लूइड लॉस हुआ है ड्यूरिंग किस में आपका, एक तो वॉमिटिंग या डायरिया की कंडीशन में क्या है उसको रिहाइड्रेशन किया जाता है उसका, वो आपने सुना है ओआरएस। ओआरएस क्या है, रिहाइड्रेशन करना है, जिससे कि उसका डिहाइड्रेशन उसके बॉडी में ना हो, उसके बॉडी में प्रॉपर वाटर बना रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। फिर कॉलन में जो फीगल मैटर है उसको कम से कम रखा जाए, उसके लिए उसको वाटर लिक्विड डाइट से दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विड डाइट के बाद जो है, लिक्विड डाइट में ज्यादा रेसिड्यू नहीं होता, इसीलिए आफ्टर सर्जरी भी लिक्विड डाइट ही प्रीफर की जाती है। पहले तो कुछ नहीं दिया जाता, उसे एनओपी रखा जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे जो अलाउ की जाती है वो लिक्विड डाइट अलाउ की जाती है कुछ पीरियड के लिए, देन उसकी सॉफ्ट, ठीक है, लिक्विड से सॉफ्ट एंड देन फिर नॉर्मल जाती है। लिक्विड डाइट्स में भी क्लियर फ्लूइड और फुल फ्लूइड। तो क्लियर फ्लूइड डाइट क्या है? द डाइट इज मेड अप ऑफ क्लियर फ्लूइड दैट लीव नो रेसिड्यू। तो नो रेसिड्यू मतलब उसके बाद में अगर वो डाइजेस्ट हो जाए तो उसके बाद में कोई रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या है, जैसे अभी आया था जो अडल्ट्रेशन में हम पढ़ रहे थे, तो जो हमने सिल्वर फॉइल या जो एल्यूमिनियम फॉइल था उसको जलाया, तो जलने के बाद क्या है, जो भी क्या ऐश बनेगी या फिर वो उसका पार्टिकल रह जाएगा, वो क्या है, रेसिड्यू है, जो राख बच रही है वहां पर वो रेसिड्यू। तो इस तरह से अगर जो भी फूड है इसमें जो भी आइटम दिया जाएगा क्लियर लिक्विड होगा पहला तो, और वो कोई भी रेसिड्यू ना छोड़े अपने पचने के बाद में, तो वो यहाँ पर ऐड होगा। इट इज नॉन गैस फॉर्म, नॉन इरिटेटिंग, नॉन स्टिमुलेटिंग टू पेरिस्टाल्टिक एक्शन। तो ये ना तो स्टिमुलेट कर देगा जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो डाइजेशन में हमने पढ़ी थी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो पुशअप करती है आगे फूड को, आगे जो बोलस बनता है फूड का उसको आगे आगे पुश करती रहती है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसे स्टिमुलेट ना करे, ना ही कोई इरिटेशन किसी तरह की कॉज करे, ना ही गैस फॉर्म करे। दिस टाइम डाइट कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूड्स एंड सम मिनरल्स एंड कैन बी गिवन इन 1 to 2 hour intervals and is its use is typically limited to 24 hours to 36 hours। इससे ज्यादा दे भी नहीं सकते हो क्योंकि से न्यूट्रिशन तो उसे प्रॉपर मिल नहीं रहा है। क्या है, सिर्फ कुछ मिनरल्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना हुआ है बॉडी में, फ्लूइड बैलेंस बना हुआ है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं फुलफिल हो रही है, बस है कि वो सर्वाइव कर सकता है इसे लेने के बाद कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं दे सकते। दिस डाइट इज गिवन ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ कॉलन, रिक्तम, डायरिया एंड वॉमिटिंग। द फूड्स विच कैन बी इंक्लूडेड आर बॉइल्ड वाटर, दाल वाटर, ग्रे वाटर, टी, कॉफी विदाउट मिल्क। मिल्क क्यों नहीं, क्योंकि मिल्क हाई रेसिड्यू टाइप में आएगा, मिल्क के पचने के बाद रेसिड्यू बचता है इसीलिए वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर क्लियर फ्लूइड डाइट में ऑप्शन आ जाएगी कौन सी चीजें ऐड होंगी या कौन सी चीज अवॉइड करनी है, तो क्या अवॉइड करना है, मिल्क आपको अवॉइड होगा, ये सोच के मत आ जाना कि ये तो टोटल लिक्विड है, लिक्विड है बट रेसिड्यू है बचता है उसके बाद, ठीक है। नाउ फुल फ्लूइड लिक्विड डाइट, तो फुल फ्लूइड जो है आपकी, फुल फ्लूइड डाइट कैसी है, दिस डाइट ब्रिज द गैप बिटवीन द क्लियर फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट। वो सॉफ्ट डाइट और क्लियर फ्लूइड डाइट के बीच की है। फुल फ्लूइड है मतलब इसमें जो है थोड़े बहुत चीजें, मतलब थोड़ी गाढ़ी हो सकती है इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, स्ट्रेन नहीं किया जाता बिल्कुल। तो फूड्स विच आर लिक्विड और विच रेडिली बिकम लिक्विड ऑन रीचिंग द स्टमक आर गिवन। तो जो फूड या तो लिक्विड हो या स्टमक में पहुंचने के बाद लिक्विड फॉर्म में हो जाए वो इसमें दिए जाते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्यूट इन्फेक्शंस एंड इन डायरिया, दिस डाइट इज गिवन एट 2 to 4 hour intervals, ठीक है, 2 से 4 घंटे के अंतराल पे दी जाती है, और क्लियर लिक्विड डाइट 1 to 2, क्योंकि ये जल्दी से बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। द फूड्स इंक्लूडेड आर कांजी, मिल्क शेक, लस्सी एंड सूप। तो क्या है ये, थोड़े कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी क्या है इसकी, थोड़ी गाढ़ी है ये, थोड़ा थिक है, तो ये चीजें दी जा सकती हैं, इसीलिए फुल फ्लूड डाइट है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज सॉफ्ट डाइट। तो सॉफ्ट डाइट क्या है, सॉफ्ट डाइट फुल फ्लूइड डाइट से थोड़ा सा इसकी जो है कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और ज्यादा। इट इज यूज्ड इन एक्यूट इन्फेक्शंस फॉलोइंग सर्जरी एंड फॉर पेशेंट्स हु आर अनेबल टू च्यू। तो जिन लोगों को चबाने में प्रॉब्लम हो, च्यू करने में, या तो उनके जो है
गम्स में प्रॉब्लम हो या टूथ में प्रॉब्लम हो या फिर उनके जो है गले में से मतलब स्वेलोइंग करने में प्रॉब्लम, उन लोगों को सॉफ्ट डाइट रिकमेंड की जाती है। द टर्म सॉफ्ट रेफर्स टू द फैक्ट दैट फूड इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ डाइट आर सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, इज इट मेड ऑफ सिंपल इजिली डाइजेस्टेबल फूड, इट इज नॉट कंटेन हार्श फाइबर और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स। The soft diet is made up of simple, easily digested food and contains no harsh fiber, no rich seasoned food. तो ना तो इसमें बहुत ही कोई ज्यादा मिर्च मसाला होगा, ना फ्लेवर हाई होगा, बहुत ही कम एकदम से सिंपल चीज होगी और वो भी सॉफ्ट फूड। ठीक है, जैसे पॉरिज है, पॉरिज क्या है, उसमें कोई ऐसी चीज यूज नहीं की जा रही जो हाई फाइबर हो, ऐसा जो फाइबर मतलब रिगर्टेशन उत्पन्न करे, घर्षण उत्पन्न करे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, है ना, वो चीज जो जाते हुए भी लगेगी हाँ बहुत ही मतलब सही नहीं हो, ठीक है, मसल्स को भी हार्म करे, ऐसी चीज नहीं लेनी, ऐसा हार्ड फाइबर नहीं लेना। इन दिस डाइट थ्री मील्स विद इंटरमीडिएट फीडिंग शुड बी गिवन, पेशेंट्स विद डेंटल प्रॉब्लम्स आर गिवन मैकेनिकल साउंड डाइट, जिससे च्यू करने में आसानी रहे। द फूड्स इंक्लूड कुक्ड दाल, डबल कुक्ड सीरियल्स, कस्टर्ड, स्टीम बनानास एंड प्यूरीज, तो बनाना को भी स्टीम करके दिया जा रहा है, प्यूरीज, ये सब क्या आएगा आपका सॉफ्ट डाइट में आएगा। अब देखो कितना सॉफ्ट देना है कि वो जो सीरियल्स हैं उसका भी जो फाइबर है वो ऐसा ना हो कि पता चले खोल अगर सीरियल दे रहे हैं तो कि उसमें फाइबर है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं डबल कुक कर रहे हैं जिससे वो और भी सॉफ्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट क्या है, ब्लेंड डाइट इज मेड ऑफ foods that are soft, not very spicy and low in fiber. It consists of foods which are mechanically, chemically and thermally non-irritating. So blend diet क्या है आपकी form, एक तरह से ये इसमें food सारे normal use हो सकते हैं तो normal diet में है, but क्या है ना इसमें किसी तरह का मसाला होगा और इसकी बिल्कुल consistency कैसी रहेगी, soft वाली रहेगी, पर इसमें जो नॉर्मल फूड आइटम्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं और मैकेनिकली केमिकली नॉन इरिटेटिंग है, दैट इज आर लाइकली टू इरिटेट द गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उन्हें इरिटेट करने वाले फूड इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक और ड्यूटोनल अल्सर्स, गैस्ट्रेटाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस आर प्रिस्क्राइब्ड इस डाइट। तो जो गैस्ट्रेटाइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है मतलब अल्सर है, उसमें क्या अल्सर में तो एकदम अल्सर में तो ब्लेंड डाइट ही दे आती है, क्यों, क्योंकि उस समय पर जो है बहुत इरिटेशन या रिगर्टेशन होता है जो जहां पर भी अल्सर होगा, जैसे स्टमक अल्सर है वहां पर होगा या फिर जो ड्यूडेनल अल्सर उनमें प्रॉब्लम होती है बहुत ही ज्यादा। फूड इंक्लूडेड मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, लो इन फैट, फैट फ्री ब्रेड पास्ता, अगर साधारण शब्दों में कहूँ कि रहेगी तो चीज क्या कि वही फॉर्म थोड़ा बहुत जो है नॉर्मल डाइट से ले ली जाएगी, पर एकदम जो सादा आहार होगा बिल्कुल एकदम से जो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाए वो वाली चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। मेड फ्रॉम रिफाइंड सीरियल्स, ठीक है, फाइबर कम दिया जाता है। कुक्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स विदाउट पील एंड सीड्स, ठीक है, एग्स, लीन टेंडर मीट सच एज फिश, पोल्ट्री आर स्टीम्ड, बेक्ड और ग्रिल्ड, क्रीम बटर पुडिंग्स और इन कस्टर्ड्स, क्लियर सूप्स, फूड अवॉइड कौन से, फ्राइड नहीं देना, फैटी फूड्स नहीं देने, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फूड नहीं देने, स्ट्रॉन्ग टी, कॉफी, एल्कोहलिक बेवरेजेस आर रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, हाई फाइबर फूड्स, हॉट सूप्स, बेवरेजेस, होल ग्रीन्स रिच इन फाइबर, स्ट्रॉन्ग चीज, तो भी चीज जाकर लगती बहुत ही, या तो वो क्या करे एक तो जो है बल्क, बल्क जो करती है ना बॉडी में जाके जो बल्क बनाती है फाइबर है वो चीज अवॉइड करनी है। फ्राइड फूड क्या है बहुत ही एक तो देर में डाइजेस्ट होते हैं और दूसरे क्या है इरिटेशन वो कॉज करते हैं, उन्हें अवॉइड करना है। फैट को जितना हो सके कम से कम लिया जाए, वो आपकी होगी ब्लेंड डाइट। और कौन सी कंडीशन में दी जानी है, वो है आपका अल्सर्स में, डिफरेंट टाइप के अल्सर में, गैस्ट्रेटाइटिस में, ठीक है, तो ब्लेंड डाइट यूज की जाती है। नाउ द रेगुलर डाइट, रेगुलर डाइट क्या है, रेगुलर डाइट मतलब नॉर्मल डाइट जो हम लोग लेते हैं और मोस्ट कॉमन जो यूज होती है हॉस्पिटल्स में, मतलब सबके लिए
तो जो जिसकी कंडीशन जैसी है वैसे जाती है, लेकिन जो पेशेंट रिकवर कर रहे हैं या जो आउट पेशेंट्स हैं या फिर जो जैसे नॉर्मल पेशेंट जो फीवर वाला है, उसको रेगुलर डाइट, ऐसे डाइट्स दी जाती हैं। अब है मॉडिफिकेशन इन डाइट्स इन डिसीज में इन्वॉल्व चेंजेस इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट सच एज ब्लैंड डाइट्स, ऑमिटिंग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ऑमिटिंग मतलब रिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें नहीं अलाउ होता। लो फाइबर एंड हाई फाइबर डाइट्स, फिर हाई प्रोटीन और लो प्रोटीन डाइट, हाई फैट एंड लो फैट डाइट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, हाई कैलोरी एंड लो कैलोरी डाइट्स एंड लो सोडियम। तो आपका जो अभी हमने पढ़ा ब्लेंड डाइट किसमें जाती है, जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, या जो ऐसी डिसीज हो जिसमें प्रॉब्लम होती है इरिटेशन वाले फूड नहीं देने या मिर्च मसाला कम देना, उसमें ब्लेंड डाइट यूज की जाती है। लो फाइबर डाइट आपकी डायरिया में, हाई फाइबर डाइट कॉन्स्टिपेशन में, हाई प्रोटीन डाइट आपकी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में हो सकती है या अनीमिया में यूज हो सकती है, या जो भी जिनमें जो डायबिटिक पेशेंट है उनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लो प्रोटीन डाइट किसे दी जाती है, जो किडनी के पेशेंट हो, ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उनको साथ में नोट डाउन करते चलना। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि लो प्रोटीन डाइट किसमें दी जाती है, प्रोटीन किसमें अवॉइड किया जाता है। तो वो जो किडनी के पेशेंट हो उनको जो है प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, या उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट तो ऑलमोस्ट सबको ही अवॉइड करनी चाहिए, और जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स हैं उनको सॉरी जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है उनको लो फैट डाइट दी जाती है, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अकॉर्डिंग टू, जैसे लो कार्बोहाइड्रेट किसको देंगे, डायबिटिक्स को, सिंपल शुगर अवॉइड करते हैं जैसे वो, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो जो भी लोग अंडर वेट होंगे, ठीक है। नाउ हाई कैलोरी डाइट भी सेम है, लो कैलोरी डाइट ऑबीज पेशेंट को, लो सोडियम डाइट जो है हाइपरटेंशन या फिर जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है उनकी, और साथ ही किडनी जो किडनी वाले जो जिनमें कॉम्प्लिकेशंस है उनको। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट इन डिफरेंट डिसीजेस आर मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, जैसे हाई एंड लो अभी हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट है आपका जैसे रिस्ट्रिक्टिव कार्बोहाइड्रेट डाइट इज एसेंशियल इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, मॉडिफिकेशन कैलोरी कंटेंट, कैलोरी किसमें इंक्रीज कैलोरी, जैसे फीवर में, इन्फेक्शन में दी जाती है, हाइपर थायराइडिज्म में दी जाती है, ठीक है। लो कैलोरी डाइट किसमें दी जाती है, ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। तो ये वाली स्लाइड चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहे ये पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको, तो वहां से कर लेना, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन डाइट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, सिरोसिस ऑफ लीवर, लो प्रोटीन नेफ्राइटिस और हेपेटिकोमा में। तो नेफ्राइटिस आपका किडनी से रिलेटेड है, हेपेटिकोमा मतलब आपका लीवर से रिलेटेड। मॉडिफिकेशन इन फैट कंटेंट, मॉडरेटली हाई फैट डाइट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, लो फैट डाइट इज एसेंशियल इन हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डिजीजेस ऑफ लीवर। तो लीवर सिरोसिस, लीवर जॉन्डिस है ना, जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस या हेपेटिक कॉमन, सब चीजें जो ही किससे रिलेटेड है, लीवर से, और इनमें क्या है फैट कंटेंट लो दिया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ मिनरल कंटेंट, हाई कैल्शियम डाइट किसमें दी जाती है, रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया के ट्रीटमेंट में, और वाइलर डाइट रिस्ट्रिक्टेड इन कैल्शियम इज डिजायरेबल है किडनी स्टोन, क्योंकि कैल्कुली जो फॉर्म होती है वो किसकी वजह से, कैल्शियम के एक्यूमुलेशन से फॉर्म होती है। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स आर एसेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, कार्डियक फेलियर एंड किडनी डिजीजेस बताया था आगे भी। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन फाइबर कंटेंट, फाइबर कंटेंट हाई फाइबर डाइट कॉन्स्टिपेशन में, व्हाइल लो फाइबर डाइट्स आर एसेंशियल इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, पेप्टिकल्स एंड डिजीज, ठीक है। ये चीज, ये वाली स्लाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सारी डिसीज की कौन सी डिसीज में जो मेजर है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो सारी कवर हो गई, ठीक है। तो इस स्लाइड को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेशल फीडिंग मेथड्स, तो आपका एंट्रल न्यूट्रिशन, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एंड टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, तो ट्यूब फीडिंग एंड ट्यूब फीडिंग, या फिर इसको एंट्रल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, है क्या ये। एंट्रल फीडिंग रेफर्स टू इनटेक ऑफ फूड विया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, द जीआई ट्रैक्ट इज कंपोज ऑफ द माउथ, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना।
एंटरल फीडिंग आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के माध्यम से फूड एंटर करे बॉडी में, वो आपका एंटरल फीडिंग है. दिस इज डन बाय पासिंग अ ट्यूब इनटू स्टमक ड्यूडेनम थ्रू द नोज व्हिच इज कॉल्ड नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग डायरेक्टली बाय सर्जिकल ऑपरेशन नोन एज गैस्ट्रोस्टमी. ठीक है, जेजनोस्टॉमी अगर जेजनम में लगाई जाती है ट्यूब तब. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर नाक से ट्यूब इंसर्ट की जाए तो दैट इज नासोगैस्ट्रिक, और सर्जिकल ऑपरेशन से स्टमक में तो गैस्ट्रोस्टमी, और अगर आंत में जो छोटी आंत इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन जेजनम में लगाई जाए तो दैट इज जेजनोस्टमी. नेक्स्ट है आपका द टाइप ऑफ फूड सप्लाइड थ्रू द ट्यूब मे बी नेचुरल लिक्विड फूड सॉलिड फूड ब्लेंडराइज्ड टू मेक लिक्विड फूड कमर्शियली सप्लाइड पॉलीमरिक मिक्सचर्स और एलिमेंटल फॉर्मूला. तो पॉलीमरिक मिक्सचर मतलब उसमें जो आपका बहुत तरह के क्या कहते हैं फॉर्मूला आते हैं या पाउडर्स आते हैं जिसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, वो वाले फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं जिन लोगों को ट्यूब फीडिंग दी जाती है. द एडवांटेजेस ऑफ ट्यूब फीडिंग आर एडिक्वेट न्यूट्रिशन कुड इजीली बी गिवन बाय दिस मेथड. फूड एंड ड्रग्स व्हिच मे नॉट बी लाइक्ड बाय द पेशेंट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड. ठीक है, अगर उसे जो है ड्रग लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको नहीं पसंद आता है, तो भी ड्रग उसे दी जा सकती है थ्रू ट्यूब फीडिंग, ट्यूब के माध्यम से दी जा सकती है. नाउ पेंट्रल न्यूट्रिशन. पेंट्रल न्यूट्रिशन में क्या है आपको, इट इज और अदर इसका अडल्ट जो अडर सॉरी अल्टरनेट नेम है वो इंट्रावेनस फीडिंग भी इसको बोलते हैं. द मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन इन टू योर बॉडी थ्रू वेन्स, वेन्स मतलब आपकी शिरा जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनमें से वेन्स के थ्रू. जैसे आपने देखा है ना ड्रिप लगते हुए देखा होगा किसी को, जो ग्लूकोज लगता है वो ड्रिप, वो क्या है, वो एक तरह से पेरेंट्रल फीडिंग है. ठीक है, इंटरवीनियस फीडिंग जो आपके वेन्स के थ्रू जा रही है. डिपेंडिंग ऑन वेन इज यूज्ड दिस प्रोसीजर इज ऑफन रेफर्ड टू एज आइदर टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. वेन्स अकॉर्डिंग टू वेन्स कौन सी वेन यूज हो रही है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उसको पेरेंट्रल और टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक, तो आपके जो वेन्स यानी कि जो शिराएं हैं उनके उनके जो है माध्यम से अगर बॉडी में जा रहा है न्यूट्रिशन तो देन इट इज पेरेंट्रल और टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. आगे चलो. ठीक है, नाउ तो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन से क्या क्या दिया जा सकता है, मतलब उसके जो इंट्रावीनसली उसको शुगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रेस एलिमेंट्स टू द बॉडी. दीज न्यूट्रिएंट्स आर वाइटल इन मेंटेनिंग हाई एनर्जी हाइड्रेशन एंड स्टेम लेवल. सम पीपल ओनली नीड टू गेट सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंट्रावीनसली. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स ही दिए जाएं, वो कंडीशन पर मैटर करता है कि उसे अगर वो फूड लेने में अवेलेबल है तो उसे फूड से दिया जाएगा. ठीक है, अगर और जरूरत है तो इंट्रावीनस भी दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो पेशेंट की जितनी नीड है वो फुलफिल की जा सकती है थ्रू इंट्रावीनस फीडिंग. तो इसलिए इसको टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का नाम दिया गया है. दिस मेथड may be used to supplement normal feeding by mouth but can provide all nutrients necessary to meet a patient's requirements. Then it is known as total parenteral nutrition or TPN formula. ठीक, तो उसकी सारी nutrients जो requirement है वो fulfill हो जाती है total parenteral nutrition के through. The nutrients given in TPN are glucose, emulsified fat, crystalline amino acids,
एंड फॉलिक एसिड, विटामिन बी12, विटामिन के, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ट्रेस एलिमेंट्स, जिंक, कॉपर एंड वाटर, ये सारी चीजें जो हैं उसको आराम से दी जा सकती हैं वीनस के, मतलब जो आपके वेन्स के थ्रू दिया जा सकता है। तो ये जो है टोटल पेरेंटल है, जितने भी यहाँ पर गिनवाए गए हैं वो सारी चीजें दी जा सकती है। ठीक है, वेट करो। अभी तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है जिससे सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, उसकी बॉडी में सब कुछ पहुंचाया जा सकता है। अब ये दोनों चीजें इंट्रावीनसली दी जा रही हैं, तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो किसी भी वेन के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन जो आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो लार्जेस्ट जो वेन है हमारी बॉडी में, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, यू विल नोट इट डाउन कि जो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू इंसर्ट किया जा रहा है वो आपका टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिशन नीड इसके फुलफिल की जा सकती है, इसके थ्रू होता है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, सो ये थे 3 टाइप ऑफ फीडिंग मेथड्स। तो ट्यूब फीडिंग में भी ये जो क्लासिफिकेशन है, नाक के थ्रू दी जा रही है, जेजुइनम के थ्रू दी जा रही है, गैस्ट्रो मतलब जहां भी इंसर्ट हो रही है वो ट्यूब, उसके अकॉर्डिंग भी इसका नाम याद रखना है, और इनमें क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं, कितने टाइम पीरियड तक, वो चीजें भी याद रखनी है। तो हमारा हो गया थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन ये वाला, और डिसीजेस जो है उसका मैं शॉर्ट नोट शेयर कर दूंगी ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कुकिंग मेथड्स ऑफ कुकिंग बचा है, और बचा है मील प्लान, ठीक है, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग। किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? ठीक है।